तो भाई हमारे इंडिया सर्वर का जो मैजिक क्यूब स्टोर है ये एक बार फिर अपडेट होने वाला है, यानी कि एक बार फिर हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में कुछ नए बंडल्स देखने को मिलेंगे। हाँ यार, वैसे तो हमारा मैजिक क्यूब स्टोर ऑलरेडी 26 तारीख को अपडेट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बंडल्स है जो कि पेंडिंग है। इसी मंथ जुलाई में वो बंडल हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में एड होने वाले है। अरे क्या नहीं भाई, हाँ बोलो। और आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट का ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। हाँ दीदी, इस वीडियो में और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आज हम लोग हमारे गेम के अंदर आने वाले फ्री मैजिक क्यूब इवेंट के बारे में बात करेंगे। हाँ जी गाइज, मैजिक क्यूब भी फ्री मिलने वाला है। देन आज मैं आप लोगों को टुनाइट अपडेट के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ गाइज, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट रिंग इवेंट, फिटेड व्हील एंड और भी बहुत सारे इवेंट्स का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही साथ आज की इस वीडियो के अंदर तो एक अपकमिंग फ्री इवेंट भी है, तो आप लोग यार ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो, आज आप लोगों को बहुत बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। आइए देख मजा आएगा। ये गाइस, अभी हम लोग सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले एक बहुत ही कमाल के फिटेड व्हील के बारे में। हाँ जी, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो फिटेड व्हील यार आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो गाइस, ये फिटेड व्हील बहुत ही ज्यादा मस्त है, क्योंकि इस फिटेड व्हील के अंदर हम लोगों को डॉक्टर सैनिटी बंडल देखने को मिल रहा है। भाई ये बंडल काफी ज्यादा रेयर है, एंड मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है ये बंडल हमारे इंडिया सर्वर के अंदर रिटर्न पे नहीं आ रहा है, लेकिन फाइनली हम लोगों को कुछ इस तरीके के रिंग इवेंट के अंदर ये डॉक्टर सैनिटी बंडल रिटर्न देखने को मिलेगा। बाकी फिर गाइस इस फिटेड व्हील के अंदर सर्जन ब्लड लस्ट बंडल भी देखने को मिलने वाला है। आप लोग खुद ही देखो यार, ये दोनों ही बंडल बहुत ज्यादा यूनिक है, एंड कुछ इस तरीके के एक फिटेड व्हील में आने वाले हैं, यानी कि गाइस एक ही फिटेड व्हील के अंदर से आप लोग दो रेयर रेयर बंडल को ले पाओगे। बाकी फिर यार हम लोगों को फिटेड व्हील के अंदर एक N94 की स्किन भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर सॉफ्ट बोर्ड, पैराशूट, लूट बॉक्स, बैकपैक, काफी सारे आइटम्स है। सीधा सीधा बोलू तो यार, मुझे तो ये फिटेड व्हील काफी ज्यादा मस्त लगा भाई, बहुत रेयर फिटेड व्हील है। बाकी यार एक ही फिटेड व्हील के अंदर इतने सारे आइटम्स हैं, और आप लोगों को तो पता ही यार फिटेड व्हील में हम लोगों को 1000-1200 डायमंड लगाने पर सारे आइटम्स मिल जाते हैं। तो सीधा सीधा बोलू तो यार, हम लोग ये फिटेड व्हील के अंदर 1000-1200 डायमंड लगाकर बंडल, गन का स्किन, बैकपैक, लूट बॉक्स, काफी बढ़िया बढ़िया आइटम्स को ले पाएंगे। तो ऑलराइट यार, अभी मैंने आप लोगों को फिटेड व्हील का रिव्यू करवा दिया है, इसलिए गाइस अभी फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये फिटेड व्हील की कंफर्म डेट के बारे में। हाँ जी, तो यार मैं आप लोगों को बता दूं, ये फिटेड व्हील मुझे आज ही के दिन हमारे गेम की फाइल के अंदर से मिला, एंड अभी जो लीक्स निकल के आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग यार ये फिटेड व्हील हमारे इंडिया सर्वर के अंदर इसी मंथ जुलाई की 6 तारीख को आएगा। हाँ गाइस, 6 तारीख पूरा 100% कंफर्म डेट है, तो अभी आप लोग रिलैक्स हो जाओ, 6 तारीख को हमारे गेम के अंदर ये रेयर सा फिटेड व्हील आ जाएगा। बाकी अभी यार मैं आप लोगों को ये फिटेड व्हील का रिव्यू करवा चुका हूँ, इसलिए गाइस अभी फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले विशिंग वेल इवेंट के बारे में। जी हाँ, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ये इवेंट का इंटरफेस देखो। इस इवेंट में यार हम लोगों को 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं। पहला सेक्शन बैकपैक का है, जहाँ पर 4 बैकपैक है, आप लोग यहाँ पर से एक बैकपैक को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर दूसरे सेक्शन में इमोट्स अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पर से एक इमोट को सिलेक्ट कर सकते हो। देन तीसरे में यार अवतार बैनर वगैरह है, तो तीसरे सेक्शन से आप लोग अवतार बैनर ले पाओगे। फिर आखिरी सेक्शन के अंदर हम लोगों को कुछ कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो देखो भाई, हर एक सेक्शन में से आप लोगों को एक एक आइटम को सिलेक्ट करना है, फिर ये सभी आइटम्स विशिंग वेल में आ जाएंगे। फिर हमको ये आइटम्स को लेने के लिए विश एनर्जी को कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को सिंपल सिंपल से कुछ मिशन कंप्लीट करने पर मिल जाएगी। तो देखो गाइस, जैसे ही हम लोग 120 विश एनर्जी कलेक्ट कर लेंगे, तो हमको इन चारों आइटम में से कोई एक आइटम मिलेगा। फिर सेम गाइस 240 में भी एक आइटम मिल जाएगा, एंड फिर हम लोगों को 420 विश एनर्जी में भी एक आइटम मिलेगा, एंड फिर जो लास्ट आइटम बच जाएगा वो हम लोगों को 640 विश एनर्जी में मिलेगा। भाई बहुत ही मस्त इवेंट है, क्योंकि यहाँ पर से 4 आइटम फ्री मिलेंगे, वो भी कुछ बस सिंपल सिंपल से मिशन को कंप्लीट करने पर। तो इसीलिए यार नो डाउट, मुझे तो ये इवेंट बहुत ही ज्यादा मस्त लगा, एंड मैं जानता हूँ यार जरूर आप लोगों को भी ये इवेंट पसंद आया होगा। बाकी अभी यार मैं आप लोगों को ये विशिंग वेल इवेंट का प्रॉपर रिव्यू करवा चुका हूँ, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये इवेंट किस तरीके से काम करता है। तो अभी हम लोग इसके कंफर्म डेट के बारे में बात करते हैं। जी हाँ गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो विशिंग वेल इवेंट है, ये इवेंट ओबी अपडेट के बाद ही हमारे गेम की फाइल के अंदर ऐड हो गया था, बट मैंने अभी तक आप लोगों को इसका रिव्यू नहीं करवाया था, क्योंकि भाई मैं सोच रहा था एक स्पेशल वीडियो में आप लोगों को इसका रिव्यू करवाऊंगा। तो आज ये गाइस स्पेशल वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को विशिंग वेल इवेंट के बारे में बता दिया है। बाकी रही बात इसकी कंफर्म डेट की, तो भाई इसी मंथ जुलाई की 17 तारीख को हमारे गेम के अंदर ये इवेंट आने वाला है। जी हाँ गाइस, 17 तारीख पूरा 100% कंफर्म डेट है। मैं जानता हूँ काफी ज्यादा लेट है, लेकिन भाई तुम लोग खुद ही सोचो, ऑलरेडी हमारे गेम के अंदर अभी 7th एनिवर्सरी स्पेशल इंटरफेस आ रहा है, जहाँ पर से हम लोगों को फ्री रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। एक साथ इतने सारे फ्री इवेंट नहीं आ सकते, यही कारण है कि ये इवेंट थोड़ा सा लेट आ रहा है। खैर गाइस, अभी मैंने आप लोगों को ये इवेंट के बारे में सब कुछ ऑलमोस्ट बता ही दिया है, तो अभी आप लोग ये वीडियो को ध्यान से देखो, इस वीडियो को एंजॉय करो, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले ज़ॉम्बी समुराई बंडल रिटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ तो गाइस, आप लोग स्क्रीन पर ये रिंग इवेंट को ध्यान से देखो भाई, यही वो रिंग इवेंट है जो कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर बहुत जल्द आएगा, एंड यहाँ पर हम लोग ज़ॉम्बी समुराई बंडल को ले पाएंगे। वाह भाई,
क्या कमाल का रिंग इवेंट है। यहाँ पर हम लोगों को ज़ॉम्बी समुराई बंडल देखने को मिल रहा है, ज़ॉम्बी समुराई की थीम पर लूट बॉक्स देखने को मिल रहा है, बैकपैक भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ ज़ॉम्बी समुराई वाला इमोट भी देखने को मिल रहा है। सच बता रहा हूँ भाई, मुझे ये सभी आइटम्स काफी ज्यादा बढ़िया लगे हैं। लेकिन हाँ, ज़ॉम्बी समुराई बंडल जो है वो मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने यार इसको शायद आज से 3-4 साल पहले ही निकाल लिया था। बाकी फिर गाइस जो इमोट यहाँ पर है मैं आपको बता दूं, ये इमोट मेरे पास नहीं है, इसलिए यार जब ये रिंग इवेंट आएगा मैं ज़ॉम्बी समुराई बंडल तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी है, इसलिए यार मैं इस रिंग इवेंट के अंदर से इमोट को निकालने की कोशिश करूंगा। भाई बहुत तगड़ा रिंग इवेंट है। खैर अभी यार फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइस अभी हम लोग ये रिंग इवेंट की ना कंफर्म डेट के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो यार देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो रिंग इवेंट है ये हमारे इंडिया सर्वर के अंदर जुलाई में आने वाला है एंड अभी जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट निकल के आ रही है वो है जुलाई की 14 तारीख। हाँ जी गाइस, 14 जुलाई को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ये रिंग इवेंट आ जाएगा जहाँ पर से आप लोग ज़ॉम्बी समुराई बंडल को ले पाओगे। हाँ तो फाइनली गाइस देखो, अभी मैंने आप लोगों को ज़ॉम्बी समुराई बंडल रिटर्न के बारे में बता दिया है, इसलिए यार अभी ना हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी गाइस हम लोग बात करते हैं फाइनल शॉट एनिमेशन के बारे में। हाँ गाइस, आपको पता होगा पैराफेल का फाइनल शॉट एनिमेशन अभी हम लोगों को टेम्परेरीली फ्री भी मिला है, लेकिन ये जो पैराफेल का फाइनल शॉट एनिमेशन है मैं आपको बता दूं हम लोगों को परमानेंट मिलेगा कुछ इस तरीके के रिंग इवेंट के अंदर। फ्री में तो भाई टेम्परेरी मिला है, डायमंड लगाने पर आप लोग इस रिंग इवेंट के अंदर से पैराफेल के फाइनल शॉट एनिमेशन को परमानेंट ले सकते हो। फिर गाइस आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये रिंग इवेंट के अंदर हम लोगों को बस पैराफेल का फाइनल शॉट एनिमेशन ही नहीं बल्कि 2 और गन का फाइनल शॉट एनिमेशन देखने को मिल रहा है। एक गाइस यहाँ पर स्कॉर्पियो रेज वाला फाइनल शॉट एनिमेशन है जो कि M10 का है। देन फिर गाइस हम लोगों को यहाँ पर एक MP40 का भी फाइनल शॉट एनिमेशन देखने को मिल रहा है। देखो गाइस, इस रिंग इवेंट में टोटल 3 फाइनल शॉट एनिमेशन है, तीनों ही बहुत कमाल के एंड तीनों ही हम लोग ये रिंग इवेंट के अंदर से परमानेंट ले सकते हैं। मैं तो यार इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, जो रिंग इवेंट है ये हमारे इंडिया सर्वर के अंदर इसी मंथ जुलाई की 3 या फिर 4 तारीख को आएगा। हाँ गाइस, आपको पता होगा कल 2 तारीख को हमारे गेम के अंदर इवो वॉल्ट आएगा, हम लोगों को इवो वॉल्ट इवेंट के बाद हमारे गेम के अंदर ये रिंग इवेंट देखने को मिलेगा जहाँ पर से आप लोग पैराफेल का न्यू फाइनल शॉट एनिमेशन ले पाओगे। तो देखो यार, मैंने भी आप लोगों को ये एक रिंग इवेंट के बारे में तो बता दिया है, बाकी आप लोगों को याद ही होगा मैंने नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट का भी रिव्यू पहले ही करवा दिया था। लेकिन मुझे पता है यार, आप में से ज्यादा बंदे नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट को भूल गए होंगे। तो चलो यार अभी फिर से मैं आप लोगों को नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट का रिव्यू करवाता हूँ। हाँ जी, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो इवो वॉल्ट इवेंट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो यही हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट, जहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले तो लोड साइक्लोन वाला पैराफेल का इवो गन देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर इवो M1887, इवो ग्रोजा और साथ ही साथ इवो एक्सम8 भी आने वाला है। भाई नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मुझे पता है आप लोगों को भी ये जरूर पसंद आया होगा। बाकी यार ये तो सभी को पता है कि नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर 2 तारीख को आने वाला है, तो इसलिए गाइस अभी हम लोग फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में। हाँ तो गाइस देखो, वैसे तो हमारे इंडिया सर्वर का जो मैजिक क्यूब स्टोर है ये 26 तारीख को ही अपडेट हुआ था। जी हाँ गाइस, 26 तारीख को हमारा ओबी अपडेट आया था और ओबी अपडेट के साथ ही हम लोगों को हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में कुछ नए बंडल्स देखने को मिले। एंड मैं आप लोगों को बताऊं तो आजकल होता भी ऐसा ही है, जब भी ओबी अपडेट आता है ओबी अपडेट के साथ हमारे इंडिया सर्वर का मैजिक क्यूब स्टोर भी अपडेट हो जाता है। लेकिन भाई इस बार तो यार कुछ अलग ही चल रहा है, इस बार हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर अभी 7th एनिवर्सरी स्पेशल एक मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट देखना और बाकी है। जी हाँ गाइस, आज जब मैं इस वीडियो के लिए अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स की लीक्स इकट्ठा कर रहा था, तो उस टाइम पे यार मैंने देखा कि हमारे गेम की फाइल के अंदर अभी भी कुछ मैजिक क्यूब बंडल्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होने वाले हैं। तो चलो यार पहले मैं आप लोगों को वो बंडल्स का रिव्यू करवाता हूँ, देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा बंडल कब हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होगा। हाँ जी, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये एम्प्रेस डिवाइन बंडल है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। देन फिर गाइस हम लोगों को यहाँ पर नियॉन रिज बंडल देखने को मिलेगा एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर नियॉन रिज बंडल का ही फीमेल वर्जन अवेलेबल है जिसका नाम है कॉस्मिक रिज बंडल। मैं आपको बता दूं, कॉस्मिक रिज बंडल भी हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में आने वाले हैं। ये जो सोलर कमांडर बंडल है ये भी हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में आएगा। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पर स्टार जनरल बंडल है, ये भी हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होने वाले हैं। आखिर में सबसे ज्यादा स्पेशल भाई इस बार बैंडिट बंडल भी हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में आने वाला है। हाँ जी गाइस, आप लोगों ने एकदम सही सुना, बैंडिट बंडल भी मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होगा। देखो वैसे तो आप लोगों को याद ही होगा मैंने आप लोगों को इस बार की ओबी अपडेट से पहले ही बता दिया था कि हमारे गेम की फाइल के अंदर बैंडिट बंडल भी अवेलेबल है जो कि मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होने वाला है। लेकिन भाई 26 को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर बैंडिट बंडल मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड नहीं हुआ, लेकिन अभी भी हमारे इंडिया सर्वर की फाइल के अंदर बैंडिट बंडल अवेलेबल है और साथ ही साथ कुछ और भी बंडल है जो कि हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में आने वाले हैं। मैंने आप लोगों को सभी बंडल का रिव्यू करवा दिया है, फिर से क्लियर कर दूं, ये सभी बंडल हमारे गेम की फाइल के अंदर अवेलेबल है एंड हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होने वाले हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें कि ये सभी बंडल हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में आखिर कब ऐड होंगे, तो देखो यार मैं आप लोगों को बता दूं, ये मंथ जुलाई की 22 तारीख को हमारे गेम के अंदर ये मैजिक क्यूब स्टोर
स्टोर अपडेट आने वाला है। हाँ गाइस, 22 तारीख को ये मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट आएगा, जहाँ पर से आप लोग कमाल कमाल के बंडल को ले पाओगे। मैं तो यार कसम से मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी अभी यार आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आपको ये मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। बाकी मैं जानता हूँ यार अभी बहुत सारे बंदे होंगे जो कि कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि यार हमारे पास तो एक ही मैजिक क्यूब है, उसको अभी यूज कर लें या फिर ये मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के लिए बचा के रखें। तो देखो भाई, तुमको मैजिक क्यूब वगैरह बचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर एक फ्री मैजिक क्यूब मिलने वाला है। चलो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों को कब, कैसे और कहाँ पर से फ्री मैजिक क्यूब मिलेगा। तो देखो गाइस, वैसे तो हमारे इंडिया सर्वर के अंदर 7th एनिवर्सरी का इंटरफेस वगैरह ऑलरेडी आ चुका है, और आप लोगों ने देखा होगा एनिवर्सरी के इंटरफेस में फ्री मैजिक क्यूब का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि गाइस हमारे इंडिया सर्वर के अंदर मैजिक क्यूब का एक स्पेशल इवेंट ही आने वाला है। जी हाँ गाइस, हमारे गेम के अंदर कुछ इस तरीके का एक लॉगिन इवेंट आएगा। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं भाई, एग्जैक्ट सेम टू सेम ऐसा इवेंट नहीं आने वाला है जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। स्क्रीन पर ये इवेंट मैं आप लोगों को डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग समझ पाओ कैसा इवेंट आएगा। तो देखो भाई, कुछ इसी तरीके का इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला है, जो कि एक सिंपल तरीके का लॉगिन इवेंट रहेगा। एंड आप लोग इस लॉगिन इवेंट के अंदर से मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर पाओगे। जी हाँ गाइस, हम लोगों को लॉगिन करने पर टोटल 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, जिन 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स से हम लोग एक मैजिक क्यूब को एक्सचेंज करके ले पाएंगे। बाकी मैं एक और चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को एक ही दिन लॉगिन करने पर 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। भाई हमको कुछ 5-6 दिन लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके बदले में हम लोगों को टोटल 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट मिलेंगे। एंड वो 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट से हम लोग एक फ्री मैजिक क्यूब को ले पाएंगे। भाई काफी ज्यादा चटपटा इवेंट आ रहा है, डायरेक्ट मैजिक क्यूब नहीं मिलने वाला है, फ्रेगमेंट कलेक्ट करने पड़ेंगे, देन मैजिक क्यूब लेना पड़ेगा। हाँ तो भाई ये है हमारे फ्री मैजिक क्यूब का सिलसिला, उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। बाकी अभी यार मैं आप लोगों को फ्री मैजिक क्यूब के बारे में बता चुका हूँ, मैंने आप लोगों को सभी इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में बता ही दिया है। इसलिए गाइस अभी हम लोग आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।